कैसे पुलिस कानून इदारा जो भी है मैं उसको पूरी तौर अपील कर रहा हूँ। हमको ड्यूटी पे मांगने आए हैं दो बार फिर से, अभी ये पुलिस और लाठीचार्ज के सिंध गोर मिले हैं, हम उसके वोटर है, टूट गया इसका। आप कहाँ पे बैठे थे जब पुलिस ने आके आपको डंडे मारे, क्या गाड़ी क्या आप क्या कह रहे थे? पीछे गाड़ी भगाई है, भगा भगा रहा है, पीछे ठोकी है इसको बंदे। 2013 के पास टीचर एटीएम 2013 के, ठीक है, हम पूरा माने एहतियात कर रहे थे, पुलिस ने हम पे लाठी चार्ज करी है, देखिए भाई की टांग टूट गई है और भी काफी हमारे दोस्त है उनको गिरफ्तार करके थाने पे लागू किया गया है और काफी उस्तादों पे लाठी चार्ज की है, दो तीन दोस्त हमारे जख्मी हुए बुरी तरह, दो तीन की टांगे टूटी है, एक अभी टांगे तोड़ी है, हमारे पे बदतरीन तशद्दुद किया हमारे ऊपर। पाकिस्तान में सिंध में और सिंध के दारुल हुकूमत ने हमारे सिंधियों पर ये इख्तियारात पर ये टीचर्स पर ये नासाबी हो रही है। उधर घुमाओ मोहम्मद सुबह मुझे कैमरा घुमाओ, सबके साथ हाथ में लाठी है, ये लोगों ने लाठी चार्ज किया इकट्ठा, ये सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की नाअहली की वजह से हमारे दोस्त की जान टूट गई है, जो पुलिस ने अरेस्ट किया है मोबाइल चढ़ाई गई है, वो सीरियस बंदा है हॉस्पिटल में। 2013 में हमने टेस्ट किया, 2013 में पाकिस्तान में हमारे इलेक्शन कॉर्मी की हालत देखो, ये पुलिस की लाठी चार्ज है, इनका टांग टूटा हुआ है, अभी एसपी साहब इसको लेकर जाए एक्सरे करवाए, टूटा है वो हुआ नहीं है तो हम कल मैदान टूटा हुआ है, एसपी साहब खड़ा है, डीएसपी इसको लेकर उसकी टांग टूट गई है, इसकी टांग तोड़ी है, ये यहाँ पे खुद है मोबाइल के जो बोले थी फ्रेश मेल आपने पाओगे खरीदा आइटम असा ये पूरा माने ये टूटा हुआ लाठी लाठी जांच कर रही है, ये हम इसका इनका एफआईआर सिंध के आला गवर्नमेंट के खिलाफ करेगा, बरदरी शाह के खिलाफ एफआईआर करेगा, सरदार शाह के ऊपर हम एफआईआर करवाएगा, इसका टांग टूटा हुआ है, बरदरी शाह सरदार शाह हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। कितना जो कोटली जिले जो कोटली जिले जो खालिद हुसैन मर